नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूँ प्रियंका। वक्त हो चला एक और फटाफट का खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टेक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थानरा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और पहली खबर है झांसी से। डीआईजी झांसी जोगिंदर कुमार द्वारा झांसी पुलिस लाइन में किया गया अवलोकन। सभी क्षेत्र अधिकारी व थाना प्रभारियों की गाड़ियों का किया गया निरीक्षण। थाना अध्यक्ष द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर डीआईजी झांसी द्वारा दी गई कड़ी चेतावनी, साथ ही स्थिति ठीक करने हेतु किया गया निर्देश। झांसी में मां शबरी शहरी आदिवासी कल्याण समिति द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। आदिवासियों की जन समस्या हेतु मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सड़कों पर नाच गान का समस्याओं के निराकरण की कही बात। झांसी में जनसेवा पैथोलॉजी का किया गया उद्घाटन। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर संदीप सराव भी रहे मौजूद। फीता काटकर और मिठाई खिलाकर कार्य की शुरुआत, कई लोग रहे मौजूद। तो वहीं झांसी महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू, जल्द होगा शुभारंभ। हर साल महोत्सव के लगने का करते हैं लोग बेसब्री से इंतजार। नए झूले लगाए गए, इस बार नए रूप में दिखेगा झांसी महोत्सव। झांसी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का मनाया गया शहीदी दिवस। गुरु सिंह सभा में विभिन्न कार्यक्रम को किया गया आयोजन। शब्द कीर्तन गायन के साथ लंगर प्रसाद का किया गया वितरण। झांसी में बुंदेलखंड व समृद्धि संस्थान द्वारा मनाया गया मानव अधिकार दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर हरिओम पाठक रहे मौजूद। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक। झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज के तत्वावधान में होटल यात्रिक में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। 18 और 19 दिसंबर को शताब्दी समारोह के आयोजन की गई चर्चा कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एवं वर्तमान अध्यापकों का किया जाएगा सम्मान। झांसी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बांदा जिले में जिंदा गायों को दफन करने के प्रकरण में जताई नाराजगी। अधिकारियों पर 250 गायों को दफन करने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी से समस्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी के आर्यकन्या इंटर कॉलेज में अंतर्राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर शिवपाल सिंह यादव रहे मौजूद। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग, कई लोग रहे मौजूद। झांसी में युवा शक्ति संगठन एवं क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार रहे उपस्थित। छात्र छात्राओं को मानव अधिकार के प्रति जागरूक होने की कही बात। झांसी के मगुराड़ीपुर में किसानों ने लगाई विशाल किसान पंचायत। 600 आबादी वाला गांव सरकारी योजनाओं से कोसों दूर। समस्याओं को लेकर किसानों ने जमकर किनारेबाजी, बनाई आंदोलन की रणनीति। गुड़सराय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत गुड़सराय गरौठा पेयजल योजना का किया गया भूमि पूजन। क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा किया गया भूमि पूजन, कई लोग रहे मौजूद। बबीना में टोल वे लिमिटेड कंपनी द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। नगर में बांटे पर्चे, यातायात के नियमों के पालन करने के दिए संदेश। जनपद जालौन के कोच नगर में दरिद्र नारायण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने प्राचीन शिव मंदिर में भूतेश्वर महादेव का किया पूजा अर्चन। मौजूद दरिद्रों को कपड़े और कम्बल किए वितरित। तो वहीं आखिरी खबर है ओरछा से। ओरछा में शुरू हुई हेलीकॉप्टर जॉय राइड सुविधा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म ने की शुरुआत। शेखर शुक्ला एवं करण राव ने कार्यक्रम का किया वर्चुअल शुभारंभ। पर्यटकों का देखने का लगा जमावड़ा। तो ये थी आज की कुछ खास और ताजा खबरें। खबर फटाफट में कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।